It's day number 19. Here we are again uploading the new video for you all. Day number 18th video, and we are shorting this day number 19 video. बाकी चीज़ों का तो ठीक है. One thing that's really concerning is कि इन बालों का क्या होगा. Because lockdown जो है वो probably just waiting for the confirmation, but हमें पता ही है कि वो extend होगा. So and मैंने सोचा था कि मेरा एक गोल था. हमने इस वीडियो सीरीज में जो है वो बात करी थी अपने अपने गोल्स के बारे में. एंड मेरा जो है वो इस क्वारंटाइन के टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे एक ही गोल था, उसके बारे में आज बात करेंगे. और कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, और क्या चीज़ें उसमें आई, और उसके बाद हम 21 डेज के बाद क्या करने वाले हैं उसको करेंगे आज डिस्कस. ऑल राइट, सो ये वीडियो शुरू करने से पहले जो है हम बात कर लेते हैं. अभी मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड वीडियो आई जो मैंने बाद में जाके न्यूज़ पे भी चेक करी है, विच इज़ रियली डिसहार्टनिंग. और बहुत ही बुरा लगा ये वीडियो को देखकर, जहाँ पे कुछ सिख लोगों ने चंडीगढ़ में जो है वो पुलिस वालों पे हमला कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़कर जो है वो गाड़ी को उन्होंने निकाला वहाँ से. और पीछे का पूरा मामला जो है वो अभी पूरी इतनी डिटेल में निकल के नहीं आया है, और आया भी है तो मुझे अभी तक नहीं कुछ ऐसा पुख्ता कुछ सॉलिड कुछ ऐसा सुनने में मिला है. ऑल दो जब उनसे पूछा गया कि आपके पास पास है या नहीं है जब आप बाहर गाड़ी लेके निकले हैं, तो उन्होंने पास दिखाने के बजाय जो है वो बैरिकेड ही तोड़ दिया. और उसके बाद उन्होंने अटैक भी किया पुलिस वाले पे, और वो वीडियो थोड़ी ग्राफिक कंटेंट वाली थी, बट वट तो न्यूज़ चैनल पे तो नहीं दिखा रहे थे, बट उन्होंने जब व्हाट्सएप पे जो मुझे फॉरवर्ड आया था उसमें मैंने देखा तो उनका राइट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड जो है उन्होंने काट दिया था, जो निहंग सिख थे. और बहुत ही बुरा लगता है एक ऐसे समुदाय से ऐसी जब वीडियो निकल के आती है, जो कि लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और वो खुद ऐसा करते हैं. तो बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की, जहाँ पर है जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने यही सोचा था जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी या सीरीज स्टार्ट करी थी, तो मेरा गोल यही था कि मैं 21 डेज तक जो है वो लगातार वीडियो बनाऊँ. ऑल्दो मैंने जो है वो पहले भी अपने गोल्स को रीस्टार्ट करने की बात किया, तो ये मेरा जो था वो गोल था कि इस ईयर में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली या कम से कम जो है वो 60 वीडियोस बनाऊंगा, एंड ट्राई करूंगा कि 60 वीडियोस बना सकूँ. क्योंकि लास्ट ईयर जो है हमने 50 सोचा था, बट इट वॉज समवेयर अराउंड 40 to 44. और इस बार जो है वो मैंने सोचा था कि इस ईयर जो है वो कुछ आगे करेंगे, कुछ ज़्यादा करेंगे, 60 वीडियोस बनाएंगे, एंड इन टोटल जो है वो इस साल 100 वीडियो से ऊपर मेरे चैनल पे होनी चाहिए. ये मेरा गोल था, और ये मैंने जब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था उस टाइम ही सोचा था मैंने कि मैं ऐसा जो है वो करने वाला हूँ. सो अब जो है वो इसको मैंने एज अ अपॉर्चुनिटी देखा कि ठीक है, अभी मेरे पास टाइम भी है, मैं एडिटिंग थोड़ी बहुत भी और ज़्यादा सीख सकता हूँ. तो मैं जो है वो क्या करता हूँ कि इन 21 डेज में जो है वो जो मैं आप लोगों को करने को बोल रहा हूँ कि एक गोल सेट कर लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही अपने लिए एक गोल सेट करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, टू मेक वीडियोस फॉर नेक्स्ट 21 डेज. टिल 17-18 जो है वो बहुत ही ईजी रहा, हमने कोई टॉपिक भी जो है वो रिपीट नहीं किया, बट नाउ इट्स गेटिंग अ बिट टफर, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम भी है, तो मेरा मोस्टली जो है वो सारा दिन उसी में निकल जाता है. सेकेंडली मैंने ये देखा है कि जब हम स्टार्टिंग में वीडियोज अपलोड कर रहे थे जो कि डे टाइम में थी, उस पर थोड़े बहुत व्यू अच्छे थे एज इन कम्पेयर टू जब डे एंड हो जाता है और तब हम वीडियो डालते हैं. तो बिकॉज उसका रीज़न बड़ा ये भी है कि हमारा जो चैनल है वो इतना बड़ा नहीं है, ऑल्दो आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बट जो नए लोग देखते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को. एंड हम जो अभी इस टाइम पर हैं ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, हम जनरली ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, और आई एम स्टिल लर्निंग. सो ये था मेरा गोल टू हैव 60 वीडियोस दिस ईयर. और फिर वो जो है वो फेब और जनवरी को मिला के हमने 3 या 4 वीडियो डाली थी. ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 5 वीडियो पर मंथ बनती है 12 महीने के हिसाब से. एंड मैंने देखा था और मैंने प्लान भी किए थे, बहुत सारे हमारे जो थे इवेंट्स आ रहे थे. इवन मार्च में हम प्लान कर रहे थे फॉर होली फेस्टिवल. ऑल दो मेरी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सपायर हो गया, और जो कि बड़े ही क्लोज रिलेटिव थे, और उसकी वजह से जो है मैं होली भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, तो हम बाहर भी नहीं जा पाए. सेकेंडली मार्च आते आते तक डर इतना ज़्यादा बैठ गया था. इवन जब हम ऑटो एक्सपो गए थे तब भी हमने यही बात करी थी कि वहाँ पर जो है वो मोर देन 140 कंपनीज जो है वो अपीयर ही नहीं हुए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. और वो तो समवेयर अराउंड 8 February की बात थी जब दिल्ली के इलेक्शन थे, और उस टाइम भी हमने वीडियो बनाई थी फिर भी, बट उसके बाद जो सिचुएशन धीरे धीरे ख़राब होती गई, और
अब हम ये हाल है कि अपने घरों पर हैं। 11-12 तारीख हो चुकी है अप्रैल की, और अभी भी जो है वो कोई ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि जल्दी जो है वो लॉकडाउन खुलेगा, बट वी आर होपिंग। उसके उसी बीच जो है वो एक अच्छी न्यूज़ ये भी निकल के आई है कि केरला जो है वहाँ पर अब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सिचुएशन को कंट्रोल में रखा गया है। और तो जब इंडिया में पहला केस आया था वो भी केरल में ही था, वो बाहर से आए थे, दुबई से आई गेस, तो उनको जो है था और उनको रिकवर भी कर दिया गया था बहुत ही जल्दी। आज भी जो है वो उनमें ज़्यादा नए केसेस नहीं थे, सिर्फ 2 केस ही थे, और उसको भी जो है वो रिकवर कर लिया गया है। एंड उन 2 केसेस को नहीं, बट जो पहले उनके केसेस थे, तो उनकी जो स्पीडी ग्रोथ है केसेस की वो इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, जिसको एक्चुअल में चिंता करने की ज़रूरत है। सो अब ये है कि हो सकता है कि ये 2-3 दिन और वीडियो आए और लॉकडाउन एक्सटेंड होने की जैसी न्यूज़ आएगी, जो कि प्रॉब्ली वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आएगी ही आएगी, बैठक हो चुकी है उसके बारे में। अब जो है हम वो यही सोच रहे हैं कि आफ्टर 21 डेज क्या करेंगे, बिकॉज हमने मोस्टली बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। और अभी जो है वो मैं फिर वही इंस्टाग्राम से दोबारा से जो है वो पोल स्टार्ट करूंगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा आंसर आए। ऑल दो मैं सोच रहा था कि एक्सरसाइज जो है वो दोबारा शुरू करूँ घर पर, ऑल दो मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, फिटनेस बैंड भी नहीं है, बट वही एक चैलेंज को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो कंटिन्यू भी रहेगी। और हो सकता है कि जो ऑलमोस्ट 17-18 वीडियोज मैं बना चुका हूँ, फेब में हमने कोरोना वायरस पर बनाई थी, मार्च में अप्रॉक्सीमेटली जब से लॉकडाउन का पहला डे स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक हम लगातार वीडियोज़ बना रहे हैं, एंड वो मेरा गोल भी कंप्लीट कर देगा। और उसके बाद जो है हमें कुछ नया भी हो सकता है कि ऐड करने को मिल जाए अपने इस चैनल पर। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो वी होप कि आप लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे जाकर अच्छे से अपने सजेशन दें। हम नेक्स्ट से कुछ दिनों तक जो है वो लगातार चलाएंगे पोल को, क्वेश्चंस को और प्रमोशन एक्टिविटीज़ को भी, सो दैट हम जो है वो एक अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए ब्रिंग कर सकें। सो टिल देन वॉश योर हैंड, स्टे एट योर प्लेसेस, और फेक न्यूज़ से बचें, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। वी विल सी यू ऑन दी अनदर साइड।